नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और अब तक आप नार्जो 10 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन देख चुके हैं, लेकिन आज मेरे पास उसका छोटा वेरिएंट नार्जो 10 ए है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह फ़ोन नार्जो 10 के ही डिज़ाइन सेगमेंट को कंटिन्यू करता है या फिर कुछ नया लेकर आया है। एक नज़र पहले बॉक्स पर मार लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्टफोन ब्रांड नंबर 1। जी हाँ, वो तो। इसके अलावा आपको 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल कैमरे का जानकारी मिल जाएगा। थोड़ी सी बैटरी की जानकारी है, 5000 एमएएच की बैटरी, और पीछे की ओर मेड इन इंडिया का जो है वो बड़ा सा आपको मार्किंग मिल जाएगा। चलिए, यह फ़ोन इंडिया में बना है और कलर जो है हमारे पास सो ब्लू है। जी हाँ, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं। हमने ये बॉक्स खोल लिया है, सामने में ये है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले एक बार मैं फ़ोन को ऑन कर दूं, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो है वो सो ब्लू का है। जी हाँ, ये मैंने फ़ोन, हमारे पास फ़ोन आ चुका है, और इसे भी हम हटा देते हैं थोड़ी, अदरवाइज़ हमारा वीडियो एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा ख़राब होगा। हमने इसे हटा दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन कर देते हैं इसको, और इसको भी थोड़ा सा साइड में प्लेस कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बॉक्स में दी गई हैं। तो ये हमारा बॉक्स हो जाता है। इसके अंदर आपको मिलता है मैनुअल, इसको भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। जब इसे हटाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर सॉकेट। जी हाँ, और इसके अलावा केबल, ये रहा हमने। और यहाँ पे जो है दिया गया है सिम इजेक्टर टूल, इसे हम निकाल लेते हैं, आगे अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें सिम इजेक्टर टूल की। चलिए, हमने चीज़ों को देख लिया है, हम इसे प्लेस कर देते हैं साइड में। अब हमारे पास फ़ोन आ चुका है, अब हमें एक नज़र ज़रा इसको सेटअप पहले कर लेते हैं। और हमारा फ़ोन जो है वो सेटअप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमने ये गेट स्टार्ट कर दिया है। हमारा ये फ़ोन जो है सेटअप हो चुका है। तो चलिए एक नज़र हम सबसे पहले डिज़ाइन पे मार लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की दी गई है, और बहुत हद तक ये जो है रियलमी C3 के जैसा मिलता है। जी हाँ, C3 हम पहले भी देख चुके हैं। तो कंपनी की कोशिश शायद यही है कि नार्जो 10 और C3 के बीच का एक डिवाइस जो है वो पेश किया जाए, और वही लेकर के आई है। 3 यहाँ पे जो है कैमरे दिए गए हैं, बगल में आपको मिल जाएगा फ्लैश, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फ़ोन का जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, आप देख सकते हैं। ग्रिप जो है इसमें अच्छा मिल रहा है, इसमें ग्रिप जो है वो अच्छा मिल रहा है, और जो कोने हैं वो हाथ में चुभते नहीं हैं बिल्कुल। आप और जो इसमें बड़ी बैटरी दी गई है, फ़ोन का स्क्रीन भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये आसानी से हथेली में आ जाता है। साइड पैनल में हम देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है, इसके अलावा जो है यहाँ पे सिम ट्रे दिया गया है। इसीलिए हमने सिम इजेक्टर टूल को बाहर रखा था, ताकि हम जो है वो एक बार सिम ट्रे को जरा खोल लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 3 स्लॉट दिया गया है, यानी कि 2 सिम के साथ में आप एक माइक्रो एसडी कार्ड का यूज़ कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। डुअल सिम के साथ में आपको मिलता है माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। ऊपर का पैनल खाली है, इस साइड जो है वो पावर बटन दिया गया है, और नीचे की ओर जब हम आते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको माइक्रो यूएसबी 2.0। यहाँ पे आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी 2.0। इसके अलावा जो है दिया गया है 3.5 mm ऑडियो जैक, और देख सकते हैं लाउड स्पीकर ग्रिल को। तो कुल मिलाकर डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन अच्छा है। सामने में जो है आपको मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नॉच। जी हाँ, सामने में आप देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉप नॉच इसमें जो है वो दिया गया है। डिज़ाइन का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा। भारतीय बाज़ार में इस फ़ोन का प्राइस जो है, शुरुआती प्राइस जो है वो 8,499 रुपये है, और उस प्राइस के इस लिहाज से मैं इसको कहूँगा कि डिज़ाइन और जो डिस्प्ले है वो अच्छा है। डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले पर भी तो हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि कंपनी ने इसे 6.5 इंच की स्क्रीन के साथ में पेश किया है। आपको इसमें LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, LCD IPS डिस्प्ले दिया गया है, और HD रेजोल्यूशन है, HD+ जो है इसका रेजोल्यूशन है। 60Hz का डिस्प्ले है। जी हाँ, 90Hz भी कंपनी पेश कर चुकी है 11,000 के बजट में Realme 6 के साथ में, लेकिन इसमें जो है वो 60Hz का जो है वो डिस्प्ले दिया गया है, और
20:9 एस्पेक्ट रेशियो है। जी हाँ, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो है। तो प्राइस के लिहाज से मैं इसको जो है डिस्प्ले को बुरा नहीं कहूँगा। हाँ, अगर कुछ एडिशनल मिलता, अगर हम बात करते हैं अगर सुपर एमोलेड इस तरीके की कुछ चीज़ें होती तो ज़्यादा अच्छी कही जाती, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। डिस्प्ले अच्छा है और टच रिस्पॉन्स भी है फ़ोन का, काफ़ी अच्छा लगा। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन के इंटरनल्स पे। तो मैं आपको बता दूं, इस फ़ोन में जो है वो 32 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। एक बार जरा हम लोग ओपन कर ही लेते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 GB की जो है वो इंटरनल मेमोरी है, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड 10। ये रियलमी UI वर्जन 10 पे आता है, और 3 GB की रैम मेमोरी दी गई है। लेकिन जो सबसे खास बात कही जा सकती है, मीडियाटेक का हेलियो G70 प्रोसेसर इसके साथ में, मीडियाटेक हेलियो G70 प्रोसेसर दिया गया है। और फ़ोन जो है वो गेमिंग के लिहाज से अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि यह प्रोसेसर हम पहले भी देख चुके हैं C3 में, और हमने जब C3 पे इसको रन किया था तो ये HD मोड पे जो है वो PUBG को रन करने में सक्षम था। तो इस बार भी हम कुछ ऐसा ही आसाई से कर सकते हैं। तो MediaTek Helio G70 जो चिपसेट है, ये 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला चिपसेट है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा 2.0 GHz का। इसके अलावा जो है इसमें जो है आपको मिलेगा 5000 mAh की इसमें जो है वो बैटरी दी गई है। जी हाँ, 5000 mAh की बैटरी दी गई है इसमें। एक नज़र हम जरा बैटरी पे भी मार लें, लेकिन जो आप कही जा सकती है खास बात कि बैटरी के साथ में जो है आपको इस बार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा। जी हाँ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस बार बैटरी के साथ में नहीं दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस इसका काफ़ी शानदार होगा। आप बड़ी स्क्रीन बहुत जो है वो हाई रेजोल्यूशन वाला नहीं है, इसलिए आपको लंबी बैटरी बैकअप मिलेगा। वहीं 60Hz का जो डिस्प्ले है उसमें भी बैटरी खपत थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको जो है मिलेगा इसमें आपको जो है इसमें मिलेगा लगभग 727 घंटे का। कंपनी ने जो क्लेम किया है उसके अनुसार 727 घंटे का, 727 आवर्स का जो है वो मिलेगा इसमें स्टैंड बाई टाइम। इसके अलावा कॉलिंग टाइम जो है वो 43.9 यानी कि लगभग 44 घंटे का इसमें आपको टॉक टाइम मिल जाएगा। 20 घंटे और लगभग आप मूवी देख सकते हैं 20 घंटे से ज़्यादा। इसके अलावा जो है आपको नेविगेशन में 25 घंटे से भी ज़्यादा का जो है वो 25 घंटे से भी ज़्यादा का स्टैंड बाई टाइम देने में, पावर बैकअप देने में सक्षम है। जो सबसे खास बात कही जा सकती है कि कंपनी ने बताया है कि आप 10 घंटे से ज़्यादा इसमें लगातार पबजी खेल सकते हैं। जी हाँ, 10 घंटे से लगातार ज़्यादा पबजी खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि आपको लगभग रात पूरी रात जो है पबजी खेलने में अगर काट सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस फ़ोन में जो है वो 12 मेगापिक्सल का जो है वो मेन कैमरा है। इसके अलावा 2 सेंसर्स और हैं। एक सेंसर जो है वो मैक्रो शॉट के लिए, और कंपनी का दावा है कि 4 सेंटीमीटर से भी जो है वो नज़दीक से भी अब जो है फोटोग्राफी करने में सक्षम है। तो हम फोटो तो अभी लेंगे, लेकिन कैमरा डिटेलिंग मैं आपको थोड़ा सा पहले से आपको बता दूं कि इसका जो कैमरा है वो मेन कैमरा जो 12 मेगापिक्सल का जिसकी हम बात करते हैं, उसका जो फोकल जो अपर्चर है वो f1.8 का है। जी हाँ, फोकल जो अपर्चर है वो 1.8 का है। इसके अलावा मैक्रो शॉट जो है वो 4 सेंटीमीटर से, और स्लो मोशन इसमें दिया गया है। तो हम एक नज़र कैमरे के फीचर्स पे डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम जो है वो हम बदल सकते हैं यहाँ से। फुल फ्रेम सेटिंग में जब हम जाते हैं तो आपको आपके पास में जो है ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वाटरमार्क, ग्रिड, वीडियो, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन को, शटर साउंड, इन सब का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम जब आते हैं तो पोर्ट्रेट मोड, मोर में आपको अल्ट्रा मैक्रो देख सकते हैं, अल्ट्रा मैक्रो शॉट है, और इसके अलावा प्रो मोड है, और स्लो मोशन वीडियो यहाँ का, और पैनोरमा। तो एक बार हम जरा फोटोग्राफी कर लेते हैं 12 मेगापिक्सल का इसका जो कैमरा है वो कैसा है, हम यहाँ पे यहीं पे हम जांच लेते हैं। आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग ठीक ठाक है, हम बहुत बुरी भी नहीं कहेंगे, डिटेलिंग जो है वो ठीक ठाक है। इसके अलावा कैमरे के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे। वहीं जब हम बात करते हैं इसके सेल्फी की, तो सेल्फी के लिए जो है आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा। जब इसमें अल्ट्रा मैक्रो का ऑप्शन है तो एक नज़र हम अल्ट्रा मैक्रो पर भी मार ही लेते हैं कि कैसा है इसका ऑप्शन। हमने अल्ट्रा जो है मैक्रो शॉट को ऑन कर दिया है, और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने अल्ट्रा मैक्रो जो है वो थोड़ी सी
फोकस में थोड़ी कमी तो ज़रूर लगी, लेकिन फिर भी इस बजट के लिहाज से ठीक कहा जाएगा। और जो है हम और आशा कर सकते हैं कि नेक्स्ट अपडेट वगैरह जब आए तो ये काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। कैमरे के बारे में हमने बात कर ली, हमने सेल्फी देखा, 5 मेगापिक्सल का जो है आपको फ्रंट में कैमरा मिलेगा। और फ्रंट सेल्फी की एक नज़र हम ज़रा डाल लेते हैं। सेल्फी में जो है, सेल्फी की ओर जब हम आते हैं तो भी आपको पोर्ट्रेट मोड, मोर पैनोरमा और ये टाइम लैप्स ऐसी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी, लेकिन इसमें स्लो मोशन और वाइड एंगल जैसे सपोर्ट जो है वो नहीं है। जी हाँ, वो सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर फ़ोन अच्छा है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिलने वाला है। प्राइस को आप कह सकते हैं कि C3 जब है तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा, लेकिन कंपनी ने इसमें कई चीज़ें जो है C3 से बेहतर की करने की कोशिश की है। और जब आप फ़ोन को अपने हाथ में लेंगे तो अनुभव जो है वो पहले के लिहाज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।